आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज, सच की खबरें सबसे पहले। नमस्कार इंडिया, स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज। जहां एक तरफ चारों ओर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, सरकारी एवं स्वयं सेवी दोनों संस्थाएं जागरूक करने के लिए तरह तरह के कैंप चला रहे हैं, तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, लेकिन प्रयागराज में अभी भी इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सका। प्रयागराज के ट्यूलिप होटल में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में प्लास्टिक गिलास यूज किया गया। पत्रकारों के पूछने पर होटल के लोग कुछ भी बोलने से पीछे हट गए। आप क्यों यूज कर रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए ना। जवाब दीजिए, आप यहाँ फ्लोर मैनेजर है ना, आपने कहा तो फ्लोर मैनेजर है। सर जवाब दीजिए, मैनेजमेंट देखते हैं सर। मैनेजमेंट आपने कहा मैं फ्लोर मैनेजर हूँ। सर मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट देखना और फ्लोर मैनेजर होना दोनों में डिफरेंस है ना, आप गलत जानकारी देते लोगों को। नहीं नहीं नहीं, ये जो है छुट्टी बाद मैनेजर साहब छुट्टी पे। ये होटल जो है ओयो का। चलिए बस इतने हो गया। प्रयागराज में हम पार्टी के संगठन को लेकर यहाँ जो आए थे, पिछले एक साल से ज़्यादा समय से इलाहाबाद में पार्टी का संगठन दो जिले के रूप में काम कर रहा था। उन सारे साथियों ने अपने जिले के तौर पर जो काम करने का, इसलिए संगठन के नए सिरे से निर्माण करने के लिए, और उसमें डॉक्टर अल्ताफ साहब को जो प्रयागराज का जिलाध्यक्ष, सर्वेश यादव जी को पार्टी का महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ही 25 सदस्यीय जिला कार्यकारी भी घोषित की गई है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो युवाओं को रोजगार देने के नाम पर 2017 में सत्ता में आई, आज वो लोगों से रोजगार छीनने का काम कर रही है। कल इन्होंने जो 25,000 होमगार्ड के जवानों को उनकी सेवाओं से निकालने का आदेश दिया है, आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले का विरोध करती है। पार्टी का यह मानना है कि उन 25,000 जो परिवार हैं उनको सड़क पर छोड़ने का काम योगी जी न करें। बहुत सारे जो है उनके परिवारों ने आज सुबह उनसे बात भी की और वो इस बात को लेकर दस्तखत हैं कि उनका क्या होगा, क्योंकि उनके पास अब कोई दूसरा कोई रोजगार का साधन नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि हमारे पास हमारे बाल बच्चे क्या करें, सड़क पर भीख मांगे। तो हमारा ये कहना है कि पकौड़ा जो है रोजगार योजना जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उस पकौड़ा रोजगार योजना के बाद वो कटोरा रोजगार योजना का लागू करें और होमगार्ड के जवानों को दोबारा जो है उनकी सेवाओं में वापस लें, कि जिससे 25,000 जो परिवार बेघर होने जा रहे हैं उनको बचाने का काम करें। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार जो छात्र राजनीति को खत्म करने की साजिश कर रही है, जिस तरीके से इलाहाबाद से लेकर फैजाबाद और दूसरे के जिलों में शासन चुनाव की बहाली की मांग को लेकर जो छात्र नेता छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनको कुचलने का काम कर रही है, सरकार उनको पुलिस के बल पर उनकी आवाज़ जो दबाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी उनकी जो है ये दबाने की जो कोशिश है उसकी जो है निंदा करते हैं, और हम ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति को जिंदा रखने के लिए छात्रों की मांग को सरकार माने और सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो है वहाँ छात्र चुनाव जरूर कराए जाए। लगातार जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी इस विषय में क्या किस तरीके कदम उठा रही है? आम आदमी पार्टी अभी जो है झांसी में पुष्पेंद्र यादव के फर्जी इनकाउंटर में पार्टी उनके परिवार से मिलने गई थी, और मुलाकात के बाद जो बात सामने निकल में आई कि पुष्पेंद्र यादव की इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी एक हत्या की जो है सुनियोजित साजिश थी, और पैसे को लेन देन को लेकर पुलिस ने उनकी हत्या की थी, ऐसा परिवार वालों का और गांव वालों का कहना है। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उस मुद्दे को लेकर जो अगले दिन हमने पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और हमने राज्यपाल महोदया जी को